मेरा नाम आमिर है, मेरी पोस्टिंग है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट में एक पार्क हमारे को एक मेंटेन करने के लिए नॉमिनेट किया गया था, निषाद पार्क बाणीपुरा, जो 2018 में स्टार्ट हो गया, जिसका वर्क उसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट था 203 लाख, इंक्लूडिंग फ्लोरल पार्ट। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ कि वहाँ पे बाणीपुरा लोगों को एक लैंड की कमी है, और रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए कोई पार्क खास नहीं है। अब चूंकि ये एक पार्क बना हुआ था पहले, लेकिन शैम्बल्स में था, इसमें न फेंसिंग थी न प्रॉपरली, इसमें वाटर चैनल चल रहे थे, न लाइटिंग थी। तो डिपार्टमेंट की तरफ से और एनएचपीसी की तरफ से एक ये सीएसआर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए एक पार्क को रिवैम्प करने के लिए एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। तो हमने जो काम स्टार्ट किया और पूरे आइटम्स जो हमने एनविसेज किए थे पहले डीपीआर में, लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसमें एक नई शेप बिल्कुल, सिर्फ तो वो ज़मीन का टुकड़ा बराबर है, लेकिन एक रिशेप में पार्क में आज की डेट में है। उसमें हमने एडिशनल पाथवेज बनाए हैं, टाइल पाथ्स बनाए हैं, लाइटिंग फैसिलिटी दी है गार्डन में, कोई शाम को आता है बैठने के लिए, बहुत अच्छी जगह है, तो लाइटिंग इसमें एक अट्रैक्शन ज़्यादा बन जाता है। फाउंटेन्स हमने इसमें यूज़ किया है, फाउंटेन्स लगाए हैं, तो इसमें लेवेटरी ब्लॉक्स हमने वो फैसिलिटी रखी है लोगों के लिए, बच्चे। और इसमें निषाद एरिया के जो लोकल बाणीपुरा एरिया के जो बच्चे रिक्रिएशनल के लिए आ जाते हैं वहाँ पर, बड़ा उनको फ़ायदा मिला इससे, क्योंकि एक तो पूरा बाणीपुरा टाउन में कोई और पार्क नहीं है इस प्रकार की, लेकिन ये वाली पार्क बड़ा लोकल्स को बड़ा ये फ़ायदा हुआ इसे। और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसमें हमने जो भी वर्क किया, जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम किया, इसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया उसने, क्योंकि लोकल बंदे जो हैं काम पे लगे थे, तो टाइमली हमने ये कंप्लीट किया, और मैं चाहता हूँ कि और ऐसे प्रोजेक्ट्स फिर से मिले। गुड आफ्टरनून, दिस इज इम्तियाज अहमद, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा। दिस इज रिगार्डिंग द निषाद पार्क दैट हैज बीन डेवलप्ड रादर इनोवेटेड एंड रिजुविनेटेड अंडर द सीएसआर ग्रांट्स ऑफ केजीएचईपी एनएचपीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द पार्क, this is the lone park in entire town of Bandipur and has its significance among the young players who go in the morning and the senior citizens who visit the park in the evening. The park was entirely in shambles prior to its renovation, but we are grateful to the KGHEP authorities that around rupees 2 crores have been invested by giving it a new look. Entire pathways have been renovated, the waterfalls have been created, and this park is known as Nishad Park, has its replica in Srinagar. Sti is famous for that also, and is being well used by the public now. मेरा नाम मोहम्मद अमान है, हम बाग हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो 4 बजे छुट्टी के बाद हम इस पार्क में आते हैं, तो ये पार्क बहुत अच्छा है, मतलब बहुत पहले से हम यहाँ बचपन हमारा समझो आप इसी पार्क में गुजरा है, तो हम छुट्टी के बाद इधर आते हैं दोस्त के साथ, घूमते हैं इधर आधा एक घंटा, फिर घर जाते हैं आराम से, तो पार्क बहुत अच्छा है ये, आपको भी मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए घूमने के लिए। तो हम गवर्नमेंट को भी बहुत वो करते हैं, शुक्रगुजार है उनका, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट दिए इधर, पहले कुछ मतलब सिंपल था यार, इधर बहुत कुछ हो गया, इधर फुहारे बहुत फूल वूल सब अच्छी तरीके से इधर लगा दिए, पेड़ वेड़ ग्रिल अच्छी तरीके से, टेल वेल यहाँ पर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, और बोलते हैं गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा बहुत इसको और डेवलपमेंट करें। स्टार्ट। मेरा नाम शहनवाज अली है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ आया था पार्क में घूमने के लिए, यहाँ वॉक करने के लिए आते हैं, पहले यहाँ डेवलपमेंट नहीं था, यहाँ से डीसी साहब ने भी यहाँ बहुत डेवलपमेंट की है गाँव के लिए, बस की आप यहाँ सब आते हैं, लोग आते हैं वॉक करने के लिए आते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम आते हैं वॉक करने के लिए आते हैं, फ्रेश हवा, और यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट होता है हमें जब यहाँ आते हैं पार्क में जी। और ये एनएचपीसी जो है, इन्होंने बहुत यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, इनकी वजह से हम यहाँ पे पार्क में आते हैं घूमने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा हमें फील होता है, और डिप्टी कमिश्नर उन्होंने उनकी वजह से बहुत यहाँ इस पार्क को फंड मिला है, इससे यह बहुत अच्छी पार्क हुई, यहाँ फूल उगे, और ये पार्क थोड़ा मॉडिफाई किया है बहुत, इससे अच्छा हमें
मतलब सुकून मिलता है यहाँ आके, और फैमिली जब फैमिली होती है, कोई भी टूरिस्ट आते हैं कहीं बाहर से आते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं वो नहीं बोलते हैं नहीं यहाँ कोई डेवलपमेंट हुई है, डिप्टी कमिश्नर उन्होंने भी किया है, अच्छा NHPC है ना, उनकी भी बहुत हम थैंकफुल उनके हैं, उन्होंने बहुत यहाँ डेवलपमेंट किया है। क्या नाम है आपका? अंजुम। अंजुम, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। आप यहाँ डेली आते हो, घूमने आते हो और खेलने आते हो? अच्छा लगता है। और कौन कौन साथ में आता है? दोस्त लोग। मेरा नाम दानिश है, मैं बाणीपुरा में रहता हूँ, सर पार्क के सामने। ये बहुत ही अच्छी पार्क है, यहाँ पर हम आते हैं फ्रेंड के साथ, फैमिली भी आती है, लोगों के लिए बहुत ही अच्छी पार्क है, ये बहुत ही अच्छी पार्क है, यहाँ पर आना चाहिए सब लोगों को। आई हूँ फिफ्थ क्लास स्टैंडर्ड, यहाँ पर बहुत अच्छी पार्क है, मैं यहाँ पर आई हूँ बहुत बार भी, आज भी आई हूँ, आज बहुत अच्छी पार्क है यहाँ पर। और भी बोलना चाहती हूँ, इससे पहले कैसी थी? इससे पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। ना, आज अच्छी थी, आज अच्छी थी या पहले अच्छी थी? पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। आज ज्यादा है या कम है? आज ज्यादा अच्छी है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ स्टैंडर्ड। ओके, कौन कौन आते हो यहाँ पे? हम बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, फ्रेंड्स भी आते हैं, मेरे पापा भी आता है कभी कभी, मामा भी आती है। अच्छा लगता है यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या माइंड फ्रेश होता है? माइंड फ्रेश होता है। और आप पढ़ाई में मन लगता है? हाँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता। स्कूल के बाद यहाँ आते हो या? हाँ, कभी कभी आते हैं, कभी घर में ही पढ़ाई करते हैं। तो घूमने यहाँ आते हो आप? हाँ, घूमने आते हैं यहाँ पर। स्टार्ट। सर, मेरा नाम परवेज अहमद वाइनी हूँ, मैं यहाँ का हेड गार्डनर हूँ। मैं इसको मेंटेन, हाँ, आप मेंटेन करते हैं? मेंटेन कर रहा हूँ और मेरा डिपार्टमेंट भी मेंटेन कर रहा हूँ। HHP जो यहाँ, उसने यहाँ अच्छा काम किया था, ये जो यहाँ काम किया, ये डिपार्टमेंट किया ये काम, लेकिन और भी काम यहाँ करना है, और काम भी, और भी यहाँ काम करना है, ये पार्क और भी मेंटेन करना है। ये भी एक एक उस साइड में अपने बचपन से आ रहे हैं। वेरी बहुत बढ़िया। तो जैसे पार्क में पहले था ये, अभी इसको रेनोवेट किया गया है, तो आपको लगता है कि ये काफ़ी अच्छा बनाया, सुंदर बना दिया है, ठीक किया गया है? हाँ, बहुत अच्छा बनाया, बहुत है ना। अब आपको खुशी होती है आने में? हाँ, बहुत खुशी। और जो इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, सो आपको क्या लगा कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, हाँ, इधर वजह से बढ़िया का चल रहा है, और पानी वानी भी यहाँ पे पहले नहीं था, हाँ, उन्होंने जो बनाया सब बहुत अच्छा, इस वजह से बच्चे भी इन्जॉय करते हैं, वहाँ से भी चिल्ड्रंस पार्क का अलग ही भी बनाया, उस वजह से बच्चे भी इन्जॉय करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफान है। आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। क्या कर रहे हैं? BBA। ग्रेट। तो आपको आना अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। तो परिवार के साथ भी आते हो वैसे ही? हाँ, परिवार में लोकल आते हैं। जी, लोकल आते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया टाइल लगा है। जी जी, ठीक है सर। ये केमिकल टाइल है? केमिकल टाइल। Thank you.
एनएचपीसी का जो हमारा सीएसआर का जो मेन उद्देश्य है कि सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट कंपनी बनना है, और हमारा इसी दिशा में हम सदैव अग्रसर रहते हैं। और हमारे काफ़ी इसमें बांदीपुरा क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किए हैं, और अभी मुख्य रूप से हमने जो निषाद बाग का रिनोवेशन किया है, जो काफ़ी हमारे आम जनता ने इसको सराहा है और काफ़ी प्रशंसा की है, और इसका कई बहुत लाभ भी होते हैं। और क्योंकि हम जो सवेरे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, इस तरह के जो हम जब जाते हैं हम देखते हैं इसका उपयोग करते हुए, तो हमें बहुत ही एक दिल को तसल्ली मिलती है, और हम आगे भी इस तरह के काम करते रहेंगे, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हमारे बांदीपुरा क्षेत्र के लिए, और भी हमारे जो पीएफ लोग हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी उन्नति के लिए, अगर हम कुछ सामाजिक उन्नति या कुछ आर्थिक उन्नति में थोड़ा भी हम योगदान कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।